बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। कैनवा की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कस्टम जो है पोस्ट क्रिएट करना सिखाया था, कस्टम जो है वो मैंने आपको कैनवा के अंदर काम करना सिखाया था। अब मैं आपको जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं उनके ऊपर काम करना जो है वो सिखा रहा हूँ, डिफरेंट सोशल नेटवर्क पोस्ट के साथ। तो आज हम जो है फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट canva.com पर आ जाना है, या फिर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कैनवा की ऑफिशियल ऐप को ओपन कर लें। करने के बाद यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आप किसी ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाई देगा फेसबुक पोस्ट का ऑप्शन। आपने फेसबुक पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक पोस्ट के लिए एक बिल्कुल ब्लैंक पेज जो है वो दिखाई देगा। आप चाहो तो आप इस ब्लैंक पेज को यूज़ करते हुए खुद अपनी मर्ज़ी से जो है इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। और आप अगर चाहो तो यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट बिल्ट इन टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप इनको भी यूज़ करते हुए अपने खुद की फेसबुक पोस्ट रेडी कर सकते हो। जैसे मान लो दोस्तों मैंने एक फ्री लेक्चर जो है या पेड कोर्स स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने एक फेसबुक के लिए पोस्ट रेडी करनी है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कैटेगरीज के अंदर कि मुझे कोई एजुकेशन की कैटेगरी मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ढूंढा, तो यहाँ पर देखें डिफरेंट तरह के आपके पास कैटेगरी है, आप इनमें से कोई भी ढूंढ सकते हो। हम ऐसे कहते हैं आप आसानी के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया पेड कोर्स ऑनलाइन कोर्स, या ऑनलाइन कोर्स लिख देते हैं हम, चले ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स लिख दिए यहाँ पे, जैसे दोस्तों मैंने ऑनलाइन कोर्स लिखा तो यहाँ पे देखो मैं ब्यूटीफुल से जो है फेसबुक की पोस्ट दिखाई दे रही है ऑनलाइन कोर्स के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक सर्च कर लेते हैं, किसी भी कोई भी एक को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो पकड़ेंगे जो बिल्कुल फ्री में होगी। जैसे यहाँ पे एक हमें ये मिल गई है, इसको हम ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, और दोस्तों आप इसको अपनी मर्ज़ी जो है वो एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको एडिट करना सिखाता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा नेम, इसको हमने ऐड कर लिया, इसमें यहाँ लिख दिया KST लर्निंग, ठीक है, KST लर्निंग ये लिख दिया मैंने। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स कौन सा हम करवा रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया C++ एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं PF एंड OOP, ठीक है, ये लिख दिया। नीचे कोर्स का नाम लिख दिया, कौन से कोर्स में हम PF में मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और OOP हम किस कोर्स में करवा रहे हैं C++, उसमें ज्वाइन होगा कर दिया। और ज्वाइन हो के नीचे हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर दे देते हैं, जैसे 9209239370506073। लेट्स से इस तरह हमने दे दिया। और आप चाहो तो ये अपनी इमेज चेंज भी कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे इसे रिमूव करोगे, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे फोटोज़ के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने फोटो चेंज करनी तो यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप ऊपर कोई फोटो सर्च कर लो अपनी मर्ज़ी, जैसे प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ मान मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लिखा तो ये देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट की ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स आ रही है प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पर कोई भी एक ब्यूटीफुल पिक्चर चूज़ कर लो, जैसे मैंने ये एक चूज़ कर ली, चलिए इसको रहने देते हैं। नीचे कोई और देख लेते हैं, कोई और प्यारी सी मिल जाए मेरे को, तो यहाँ पे चलिए अभी अपना टाइम सेव करते हैं। हम यहाँ से कौन सी चूज़ करें, चलिए ये वाली चूज़ कर लेते हैं। तो हमने इसको पकड़ा, और पकड़ के आपने क्या करना दोस्तों, इसको अपनी उसी बॉक्स के ऊपर लग छोड़ देना जहाँ भी इमेज लगी हुई थी पहले से। तो अब मैं छोड़ा तो देखो वहाँ पर इमेज जो है वो अपडेट हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, क्लियर, समझ आ रही है बात की। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, चीज़ों को आप जो है वो अपडेट ऐड कर सकते हो। तो ये इस तरह दोस्तों हमने एक देखो रेडीमेड बिल्ट इन टेम्पलेट्स को अपनी मर्ज़ी जो है वो क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, अपनी मर्ज़ी से जो है वो मॉडिफाई कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो ये बेसिकली सिखाने का मकसद ये था कि आप किस तरह से जो है वो कैनवा के ऊपर काम कर सकते हो, किस तरह से आप बिल्ट इन जो टेम्पलेट्स हैं उनको कैसे जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की फेसबुक पोस्ट बनाने की समझ आई होगी, और आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप भी अपने लिए खुद की प्रोफेशनल लेवल की फेसबुक पोस्ट जो है वो रेडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।